तो ईजा की ना अभी से इतनी डिमांड आ रही है ना, बुहार लाओ करके, देख सकते हैं क्या करूं नानी जी, बता बुहार लाऊं अभी से? अभी नहीं लाना है, आगे बिछाए। तो यार नानी जी इमोशनल हो गए क्योंकि हाल में ही एक ऐसी बीमारी चल रही गायों में, तो गाय इनकी मर गई ना। अच्छा ये अपनी धनपुरी टोन में भाई ज्यादा बकवास कर ला, मुखला लगा लगा चार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इस हरे भरे मैदान से। हेलो नमस्ते पहला का एवरीवन, स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और अभी तो गांव में भैया कोई उठे नहीं क्योंकि बारिश भी चल रही है, ऊपर से मौसम खराब है, तो लोग कामकाज के लिए जल्दी नहीं उठ रहे हैं। यार आराम भी कर रहे हैं, ये दिन वैसे कामकाज के होते हैं बट मौसम ने भैया सारा काम खराब कर दिया। और कंटिन्यू बारिश होने से ना नदी नाले सब भरे पड़े हैं, और जितनी ही प्रॉपर बारिश चलती है ना उतनी ही हरियाली आ जाती है मैदान में, देख सकते हैं। बाकी इस टाइम पर नई नई जगह कुछ नए मकान बन रहे, देख सकते हैं। और अपने गांव में जितने भी मकान बनते हैं ना सब पत्थरों से बनते हैं। तो सुबह होते ही ना मेरी चलने की आदत है, दौड़ने की आदत है, और इस टाइम पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने खलपट्टा गांव के कॉलोनी तोक में। यार मेरे पैर में खुजली भी लग रही है, मुझे लगता है जोंक वोंक लग गया शायद। हाँ भैया जोंक लग गया, देख सकते हैं ऐसे चिपकता है ये देख सकते हैं। तो एक और आ गया, ये देख सकते हैं, ये है, ये इतने चिपकते हैं ना बरसात के टाइम पर तो कुछ ज़्यादा चिपकते हैं, इसको भी फेंको। तो कॉलोनी पहुँचते ही यहाँ भी ताऊ जी पानी भरने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा वाह पानी तो बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा तो तुम वहाँ से बेटा अभी तुझे आएगा ही आएगा। वाह 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 वाह। मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाते हैं? 6 बजे उठ जाते हैं बेटा। अच्छा 6 बजे उठ जाते हैं। हाँ जी ये तीसरा चक्कर है। अच्छा तीन बार आगे पानी भरने के लिए। आगे पानी के बाद। अच्छा अच्छा। हाँ जी लस्सी वस्सी बना रहे होंगे, मट्ठा वट्ठा? हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा लस्सी भी बनाना पड़ता है। अच्छा गाय का दूध निकालना पड़ता है। अच्छा तो अन्य काम करना पड़ता है ना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं कॉलोनी में, कॉलोनी तोक। तो कॉलोनी तोक में पहुंचते ही सबसे पहले ताऊ जी, गुड मॉर्निंग ताऊ जी। बैठो और कैसे हैं, कैसे क्या हाल चाल? मालिक बहुत बढ़िया है, ये बारिश से अस्त व्यस्त हो रहा है। और ये क्या नाम कहते हैं, ये खेती बाड़ी लाली भगनाली, ये राजमा है, मक्के है, और ये इधर उधर है सब, नए नए छोटे छोटे पौधे आए थे, बारिश से सब बहके चले गए हैं। और क्या नाम कहते हैं फिर अब दोबारा लाइट का ऐसे ही है, लाइट का ऐसा ही प्रॉब्लम है बिल्कुल। कल 3 दिन हो गए, 3 दिन से लाइट बंद है, सही हो रहा है। ओ चाची जी गुड मॉर्निंग। तो चाची जी लगे हैं साफ सफाई में, ये गोट से देख सकते हैं खाद वाद निकाल लें, खाद वाद जिसको हम पोर बोलते हैं, पोर खाद वाद निकाल रहे हैं, ये देख सकते हैं। पहाड़ की महिलाओं का सबसे पहले उठते ही जो काम रहता है वो गोट की साफ सफाई रहता है, यानी कि जहाँ पर गाय रहते हैं। तो कॉलोनी में पहुंचते ही ना सबसे पहले अम्मा बुबू को मिलना होता है। अम्मा नमस्ते। और ठीक है? बुबू नमस्कार। बुबू नमस्कार। और चाय चल रहा है अभी देख सकते हैं, एक हाथ में तंबाकू और एक हाथ में चाय। बिल्कुल बिल्कुल। तंबाकू को वो क्या कौन है, कुड़कुड़ाहट कौन है, कौन है, गड़गड़ाहट, ये हाँ ये देख सकते हैं, तंबाकू भी चल रहा है और चाय भी चल रहा है। तो चलो अब आपको लेके चलते हैं इस टाइम पे पहाड़ों में क्या काम होता है, और ब्रेकफास्ट हो गया अपना, मैं बिल्कुल रेडी हूँ आज पूरे दिन ब्लॉगिंग करने के लिए। और निकलते हैं और देखते हैं खास तौर पे आज होता क्या काम इस टाइम पे, महिलाएं क्या काम करते हैं और पुरुष क्या काम करते हैं, गाँव की लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए आप बने रहें अर्जुन खलपट्टा ब्लॉग के साथ। हेलो नमस्ते ननीजा। नमस्ते, नमस्ते लो, और कैसे हैं? और ठीक ठाक हैं? बढ़िया ठीक है। तो नाजे लागो हैं इस टाइम पे, बुखार उखार भी हो रहा शायद ना? तो ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया। अभी खेत में क्या कर रहे हैं? घास कटाई चल रही है। ये आलू भी हैं साथ में, क्या क्या है और खेत में? आलू ही तो है यहाँ पर तो। थोड़ा जोर से बोलो ना, ब्रेकफास्ट नहीं किया है? अच्छा इतने छुए रखो बल। तो क्या क्या सवेरा, रोटी भात? रोटी भी नहीं, भात भी नहीं, खाली खीर बनाया था। अच्छा खीर शेरा? खीर शेर दिया। अच्छा अच्छा तो खीर शेरा है। और इजा लगे हैं कंटिन्यू, देख सकते हैं घास कटाई में, और
ये ननिजा देख रहे हैं और ये खेत ननिजा लोगों का ही है। हाँ, तभी तो देख रही हूँ ना। तो ब्लॉग बना रहे हैं, देख सकते हैं ये ब्लॉग बना, ये देख सकते हैं वो भाई साहब गुस्सा भी हो गए हैं ऐसे, क्योंकि ये खेत खेत ननिजा लोगों का है तो ये ननिजा गाली दे रहे हैं, मत करो मत। हाँ वो भाई साहब आज ब्लॉग भी बना रहे हैं ऐसे ही साथ में, देख सकते हैं जो कती लगा दिन में आके तुम मको जुगा थोड़ा जुग लगा हो पवे है गेल और जुन राख हो देले ये मार गियो खवुल देख हुन नाती को तो डिकी लाब जा दियुन गेले ना जान दे ले ना जान दे हम एक तो कहां बे बोलो गोर ला देखो सेम ही मटो दे और ले मटो दे हूं बोल का काट हमनी तो जा काटनी दीदी सहलो तो ना कौन सा है ठीक है गो मी ब्लॉग तो बड़ो ने या गाज काटो ने फिर और क्या तो इजाकी ना अभी से इतनी डिमांड आ रही है ना बुहार लाओ बुहार लाओ करके, देख सकते हैं क्या करूं ननिजा बता बुहार लाऊं अभी से अभी नहीं लाना है ना बुढ़ा भी है शाही अकेले हूं मैं काम करने वाले बस ये देख सकते हैं। तो मैं क्या करूं बताओ कुछ नहीं कुछ अभी अभी शादी वादी का प्लान नहीं है ठीक छू अब लग गए क्या काम करना। हाँ अब ननिजा बोल रहे हैं कि मुझे नहीं आता क्या काम करना, बड़े गुस्से में है और इतना बड़ा मूड बना रहे देख सकते हैं, ये हाथ में जो घास निकालते इसको मूड बोलते हैं ना। हाँ। ये देख सकते हैं ये तो ऐसे कटाई होती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यार ननिजा इमोशनल हो गए क्योंकि हाल में ही एक ऐसी बीमारी चल रही गायों में, तो गाय इनकी मर गई ना, तो ननिजा इमोशनल हो गए हैं। तो जल्द आपके लिए गाय की व्यवस्था कराएंगे करेंगे पक्का। ठीक है ढूंढना है हर जगह और फिर से आप गाय पालोगे, दूध निकालोगे, दही निकालोगे, घी निकालोगे और सबको चाय पिलाओगे क्या? ऐसा सही नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो इमोशनल हो गए देख सकते हैं, जल्दी आंसू आ जाते हैं, टॉप करके आंसू गिरेंगे मुझे बिल्कुल। तो इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा भैया एक जोंक होता है, एक कीड़ा होता है, वो चिपकता पैरों में तो बहुत लगते हैं, इजाके भी बहुत लगे होंगे नहीं लगे ना। तो कल ही ना ननिजा के घर पे एक नई कपल यहाँ पे आए हैं, मौसी जी और मौसा जी, ये हरकोट से हैं। अब और कोटे की वही तो लेना, ये हरकोट से हैं और अच्छा सूपी से, ये है इनका मायका, मायका है सूपी और इनका घर है हरकोट। तो कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। चले भैया एक रैप सुनाएंगे, ये मौसा जी आए हैं, चले एक रैप होगा इनके आवाज में, 1 2 3 स्टार्ट। कौन सा गाओगे बता, कौन सा गाओगे? है पहाड़ से सीधे पहाड़ से, है पहाड़ से सीधे पहाड़ से, UK02 ब्रो है पहाड़ से, है पहाड़ से जीते हैं हम शान से, रहते पहाड़ों में हम बड़े आराम से, चलना है चोटी yeah. चढ़ेंगे हम ध्यान से, पहाड़ से दूर हूँ मैं अभी अपने काम से, कभी जाऊँगा पहाड़ में भी शान से, हूँ पहाड़ से हूँ पहाड़ से, मज़ा नहीं आ रहा साला ऐसे ही जीने में, होटल लाइन की जॉब मनाहता पसीने से। हाँ पन्ने को रात को पलटता हूँ सोच के इस बात को, कभी जाऊँगा पहाड़ में भी हूँ पहाड़ से। तो ये आपने लिखा है गाना? भाई साहब इन्होंने खुद ने लिखा भाई, पहाड़ी भी है इसमें। अच्छा पहाड़ी भी है, कौन सा? और कुट ताल खोल में खुल्लो बेलदा भिंडी बाजार, कामदार सब आल आल ठेकेदार, दंगाल भरी रोल सबका कसियार, सखनामा मंगल मुला मर्द सा असार, एक पैक माराल फिर कराल बिचार, ओ अरे मकर तबाल, ज्यादा पिला ले फिर वे जल बबाल, की बेर मैच फिर कराल सवाल, यो ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब बहुत बढ़िया। अच्छा ये अपनी धनपुरी टोन में भाई, ज्यादा बकवास कर ला मुखला लगा का चार इस टाइप की कुछ बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अपनी धनपुरी लैंग्वेज पे रैप बनाया है ये मौसा जी ने। तो मकान बनने के लिए भैया खिड़की रेडी है और ये है आदि खिड़की माँ बैरोली स्टार, आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, बैठे होंगे क्या ना कौन है, बैठे होंगे रास्ते पैरों आंख उठाए, क्या बात है भाई कहाँ से होगा यार, हर आहट पे सोचते होंगे आंख उठाए, आंख उठाए साजन आए, साजन आए, ए मेरे दिल ये भी तो सोच ले तू, उसके बाद कोई सहेली अगर साथ होगी फिर होगा क्या,
अरे मत करो ना नीचा, उस पर गुस्सा मत करो ना। चलो दगा फिर होगा क्या, क्या पता क्या खबर। कूदो ये शाबाश, गुड शाबाश। मेरे तो बोल मैं आ गए को भाई, मैं रेस लगा रहा हूं। हां बस बस, स्टॉप, हो गया भाई। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? खलपट्टा के रहने वाले हैं। हाँ। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नाश्ता नहीं किया। अच्छा नाश्ता नहीं किया, क्यों नहीं? अरे गंदी बात। ठीक है बाय, मैं मिलता हूँ, फिर मिलता हूँ अभी। ठीक है, इस टाइम पर ना गांव में कई मकान बन रहे हैं, देख सकते हैं, और मिस्त्री जी लगे हैं। जैसे मौसम ठीक हुआ, इन्होंने तो अपने लिए व्यवस्था भी की है भाई, ऊपर से तिरपाल विरपाल लगाया है। और ये हैं अपने दरबान सिंह अंकल, ये लग जाते हैं भैया मौसम जैसा भी हो, अपने काम के मामले में अपने लिए कर्मठ हैं। हेलो अंकल जी, नमस्कार। और कैसे हैं, कितने दिन से लगे इस यहाँ पे? कितने दिन हो गए, सही बताना? हो गए 15 दिन। ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल, 15 दिन हो गए। तो ईजा भी पहुँच गए हैं घास लेके, देख सकते हैं। ऐसे कुछ डोके में घास लेके आना होता है। और ये है मेरा सामने मेरा घर, बगल में ये आरती नानीजा। तो फिर से नानीजा लग गए खेत में, तो नानीजा ना हेल्प कर रहे हैं, मैं ऊपर आ रहा हूँ खेत। तो ताकत है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। तो अभी दोपहर के खाने की तैयारी चलने लगी है। और आज खाने में क्या स्पेशल है? आलू। इस टाइम पर सबसे ज्यादा अपने गांव में जो होती है ना फसल में, खेती बाड़ी में, वो आलू ही होती है। कुंटलों के हिसाब से लोग खेती करते हैं आलू की। तो आज के ब्लॉग में ना आप एक चीज यूनिक देखने वाले हैं, यूनिक लगने वाला है। नानीजा जब खेत में आते हैं ना, तो कुदाल उदाल दराते वगैरह निलाते, ये हाथ से कैसे निकालते हैं आलू, कैसे निकालते हैं बताओ? हाँ, तो ऐसे कुछ निकालते हैं, देख सकते हैं, हाथों से ही इतनी मेहनत करनी होती है। ये आलू आ गए भाई, बिल्कुल फ्रेश है, ताजा आलू, ये देख सकते हैं। खेतों से ऐसे आलू निकालना होता है, ये ऐसे आलू ना कोई नहीं निकाल सकता, खाली नानीजा को पता होता है। हाथों से निकालते हैं, ये देखो पूरा हाथ डाल दिया भाई जमीन में। ओ भाई साहब, वाह 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 वाह, एक और निकाल दिया आलू, ये देख सकते हैं। कितने आलू निकालोगे ऐसे ही? लगभग एक और निकाल, आधा किलो निकालोगे? दो है ये, दो, ये देख सकते हैं, 4-5 आलू के दाने तो यहीं पे आ गए। हेलो दोस्तों, मैं युवराज हूँ, मौसम खराब है, रोई में बारूद लग रहे हैं, आज आलू है, तबीयत खराब है रहे। तो युवराज बता रहा आजकल तबीयत खराब है, क्या हो रहा है भाई? जोर उड़ में एक चीज, जोर यानी कि बुखार, एक चीज है जोर उड़ यार, एक चीज जोर है, वो है खान खा के है। क्या क्या खाया खाने में? आज रोटा रोड शुए। अच्छा आज रोटा रोड शुए रहे बहुत ना शुए रहे बहुत ले दिहो शुए रोड अच्छा बहुत दिहो शुए रहे।